हाँ काफ़ी ज़्यादा गोलाबारी हुई है, जो लोग हैं वहाँ डर की वजह से अंदर आ गए हैं। मतलब जो भी माल मवेशी था वो बाहर था, तो जल्दी जल्दी उन्होंने अंदर माल मवेशी को किया, तो कुछ भी अंदर हो गए, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है गोलाबारी की वजह से। तो हालात काफ़ी ख़तरनाक हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हालात होते हैं जब गोलाबारी होती है। क्या कहें जी, हमारी बात नसीबी है। आप देख लें, एक डेढ़ घंटे से मुसलसल गोलाबारी हो रही है, बच्चे जो हैं वो डर के छुपे हुए हैं, तमाम पब्लिक जो है वो डरी हुई है, सहमी हुई है। मास्क वाइज छपने के, हमारे छुपने के, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को पता नहीं क्या हुआ है, बगैर मतलब के, बिना मतलब के वो फायरिंग कर रहा है। और हमारी फ़ौज भी इंशाल्लाह बिल्कुल उसका बराबर जवाब दे रही है, बेबसी के आलम में हम लोग छुपे हुए हैं, हमारा तो है नहीं। आप देख ही, जैसे आप देख ही रहे हो कि सामने से गोला आ रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। इस समय हम हैं एलओसी पर, आप देख सकते हैं कितनी फायरिंग जो है पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की जा रही है। आपको बता दें कि एक्सेलसियर की टीम आपको यहां से एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो दिखा रही है। पाकिस्तान लगातार बीते दो घंटे से रिहायशी इलाकों को निशाना बना के गोले दाग रहा है। हम यहां पे बिल्कुल मेंढर सेक्टर के बिल्कुल साथ में, ये मेरे पीछे आप आवाज़ें सुन सकते हैं कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान लगातार ये गोलाबारी कर रहा है। दूर दूर तक अभी लग रहा है कि रिहायशी एरिए जो है इन इलाकों में जो है वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा रही है। हम यहाँ पर आपको पूरी तस्वीरें, ये पीछे मेरा इलाका पूरा, जितना भी इलाका है ये पूरा गोलाबारी की चपेट में है, और ये इलाका पूरा गूंज रहा है इस टाइम गोलाबारी के साथ। और कहीं ना कहीं लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, घरों के अंदर हैं, और प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। भारतीय सेना पाकिस्तान को ये लगातार जवाब दे रही है। आप ये सुन सकते हैं कितनी जो है कितनी भयंकर गोलाबारी हो रही है। आज सुबह जो है, कल दिगवार में जो सेना का जवान शहीद हुआ है, उसके बाद जो है लगातार यहाँ पर गोलाबारी की जा रही है। एक्सेलसियर न्यूज़, राही कपूर, मेंढर सेक्टर।